इसको थोड़ा पीछे कर दोगे प्लीज। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहां पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने का। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।